तो प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो गई है और मॉनसून की मेहरबानी से बिजली कटौती में भी राहत। ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि गर्मी भीषण जब पड़ रही थी और भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से और ज्यादा परेशानी जनता को हुई, लेकिन चूंकि अब प्रदेश के कई जिलों में बरसात का पॉजिटिव इफेक्ट इस नजरिए से देखा जा रहा है क्योंकि जून के दूसरे पखवाड़े में बढ़ी बिजली की मांग पर ब्रेक अब लग गया है। जी हां, 15 जून को जहां कटौती के बावजूद 3600 लाख यूनिट की बिजली आपूर्ति, तो वहीं 26 जून के बगैर कटौती किए। चलिए इसी पर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं। विकास, जैसे जैसे मॉनसून की एंट्री हो रही है, तापमान में गिरावट हो रही है, जो डिमांड है बिजली की वो कम हुई है, क्या कारण है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से लोग कम प्रभावित है इसीलिए, या फिर कोई और कारण भी इसमें? जैसे जैसे प्रदेश के अंदर मानसून की आवक शुरू हुई है, उससे ठीक एक दिन पहले बिजली ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बिजली की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते जयपुर डिस्कॉम प्रशासन को इंडस्ट्री के अंदर 8 घंटे का बिजली लगाने के ऑर्डर जारी करने पड़े। हालांकि जो ऑर्डर प्रभावित होने थे वो कल शाम से होने थे, और कल शाम को जब पहला दिन था उसी दिन उद्योगों को कटौती से राहत दी गई। उसके पीछे का कारण ये रहा कि लगातार प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही, जिसके चलते बरसात जो है वो अधिकांश जिलों में आना शुरू हो गई है। ऐसे में बिजली की डिमांड का ग्राफ जो है वो एकाएक नीचे गिरा है। अगर हम बिजली की डिमांड की बात करें तो 15-16 जून के आसपास बिजली की डिमांड जो है वो राजस्थान में अब तक के हाईएस्ट जो फिगर है 3700 लाख यूनिट के आसपास वहां तक चल रहा था, वो अब डिमांड जो गिर करके 3200 लाख यूनिट के आसपास आ गई है। और ये जो डिमांड है इसको मीट आउट करने के लिए मात्र 19 लाख यूनिट बिजली की डिमांड जो है वो कमी रही थी, जिसके चलते कल रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कुछ ग्रामीण इलाकों में हल्की फुल्की बिजली कटौती करनी पड़ी। इसके अलावा कल पूरे दिन भर प्रदेश में कहीं पर बिजली कटौती नहीं की गई, जो की एक बेहतर और राहत की बात है। पर उम्मीद यही की जा रही कि अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर जैसे जैसे मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और साथ में बरसात का दौर शुरू होगा, तो प्रदेश में बिजली की डिमांड जो है वो जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था वो ग्राफ जो बढ़ता ग्राफ वापस नीचे आएगा, और ये जैसे ही नीचे आएगा उसके बाद में बिजली कटौती से लोगों को राहत मिल पाएगी। ठीक है विकास, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।